हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निकीज़ गार्डन। तो आज हम बात करेंगे पर्पल हार्ट की कटिंग वाटर में कैसे लगाए। तो हमने सबसे पहले हमने दो कटिंग ले ली है पर्पल हार्ट की। इसमें से हमने कटिंग लिया है पर्पल हार्ट में से ही, एंड हमने बॉटल लिया है प्लास्टिक बॉटल, एंड उसमें हमने वाटर भर दिया है। एंड अब हम इसकी कटिंग लगाएंगे। बहुत इजी तरीके से इसकी कटिंग लग जाती है, एंड इसकी 10-15 दिन में इसकी रूट आना शुरू हो जाती है। एंड इसका जो फ्लावर है, देखिए फ्रेंड्स, इसका कल ही फ्लावर आके गया था। इस तरह से पर्पल होता है एंड हार्ट शेप में होता है। तो फ्रेंड्स, ये पर्पल लगता है इसलिए इतना ब्यूटीफुल लगता है। एंड हमने भी इस तरह से वाटर में लगाया था, फिर सॉइल में लगाया था, तो इतने बोशी हो गए। एंड हमने इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया है एंड बालकनी में लगाया है, एंड बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरे हमारे गार्डन में ये पर्पल लग रहा है एंड बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे रोज़ इसका जो वाटर है वो चेंज करना करते रहिए। एंड ये इसका जो वाटर है जल्दी से गंदा हो जाता है, तो एक दिन के एक दिन तो रोज़ इसे वाटर चेंज करना चाहिए इसका। एंड बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर लगाना। एंड इसकी जो है कटिंग बहुत ही इजी तरीके से मिल जाती है, कहीं पे भी मिल जाती है एंड कहीं पे भी लग जाती है। कोई भी सॉइल में लग जाती है एंड बालू में भी लग जाती है, एंड बहुत अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा पर्पल लग रहा है। एंड इसकी बहुत सारी जो है पफ निकले है, इधर से अंदर से बहुत सारे पफ निकले है। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पफ निकला, बताती है आपको, तो साइड से ये वाला पफ निकला है, ये वाला पफ निकला है, एंड ये वाला भी पफ निकला है, ये वाला भी पफ निकला है। ये बहुत अच्छा हैंगिंग बास्केट है एंड बहुत पर्पल ही लगता है। हमारे पूरे गार्डन में पर्पल पर्पल हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो निकीज़ गार्डन को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।